एक जगह मैं कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा था, अच्छी अच्छी कविताएं हो रही थी, लटूरी लठ जी थे, दिनेश सिंह गुक्कज जी थे, सुनील पांडे प्रभाकर जी है, बड़े बड़े कवि थे, राजेश जी थे, कोई ताली नहीं बजा रहा था। तो मैंने बिहारी से पूछा कि बिहारिया ताली क्यों नहीं बज रही है, तो इसने बताया कि दादा यह पाकिट मार संघ का कवि सम्मेलन है, एक दूसरे का हाथ एक दूसरे की जेब में है इसलिए ताली नहीं बज रही है। यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है ना, अगर यहाँ कोई ऐसी बात ना हो तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। आमिर सुहेल साहब, अपनी शायरी से आपको रूबरू, आपके बीच में रूबरू थे, फूल की खुशबू का, मासूम बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मस्कन गांव वतन या देश नहीं होता। आमिर सुहेल जी, अपनी शायरी से अपने तखयुल से आपको नवाज रहे थे। माँ की बात उन्होंने की, हम अपने पुरखों का जमाना भूल गए, हम अपने पुरखों का जमाना भूल गए, मेहमानों को घर में बुलाना भूल गए, और बीबी की फरमाइश हमको याद रही, बूढ़ी माँ का चश्मा लाना भूल गए। बहुत अच्छी शायरी दे करके गए। और आमिर सुहेल साहब, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अच्छे बड़े शायरों के बीच में बैठिए, आप बहुत आगे जाएंगे। आगे बढ़ता हूं। हमारे मंच पर देश के बड़े हास्य व्यंग के कवि बैठे हुए हैं, उसमें जो सह संयोजक हैं जिन्होंने मुझे बुलाया, राजेश प्रतापगढ़ी के अच्छे इंसान है। एक बार प्रतापगढ़ में इनसे मेरी मुलाकात हो गई, तो शाम को तो ये ठीक ठाक थे, सवेरे जब ये मुझसे मिले तो इनका मुंह जो है सूजा हुआ था। तो मैंने कहा, बाबू साहब कोई हादसा हो गया क्या, एक्सीडेंट वगैरह? कहे, पंडित जी हादसा नहीं हुआ। हम कहे, तब क्या हुआ? कहे, कुछ ऐसी बात हो गई। हमने कहा, क्या? कहे, बात ऐसी हुई कि सवेरे मैं बाबा रामदेव का योगासन करता हूँ, और जिस पार्क में सवेरे औरतें मार्निंग वॉक करती हैं उसी पार्क में मैं लुंगी पहनकर शीर्षासन कर रहा था। अगर बात आप तक पहुँच जाए तो जोरदार ढंग से जो है ताली बजाइए। मैं हास्य व्यंग के बहुत ही अच्छे कवि भाई राजेश प्रतापगढ़ी को आपके बीच में मैं ले आता हूँ। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य अतिथि जी, उपस्थित कवगण एवं सम्मानित श्रोता बंधु, आप सबको प्रणाम करता हुआ भाई, हमारे बीच में परम आदरणीय आजी साहब बैठे हुए, राकेश भैया, कुंदन भैया बैठे हैं, गुड्डन भैया हमारे, सभी को प्रणाम करता हूँ, तमाम पत्रकार बंधु हैं। मित्रों, चार पंक्तियां मैं वहां से शुरू कर रहा हूं। जी, स्वर्गीय सुरेंद्र प्रताप सिंह श्री नगर कोट की पुण्य आत्मा के चरणों में, कि चांदनी गीत जैसे गाती है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। चांदनी गीत जैसे गाती है, एक समा से झिलमिलाती है, और सारा आलम महक सा उठता है, याद जब जब तुम्हारी आती है। वाह भाई, वाह 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 वाह। चांदनी गीत जैसे गाती है, एक समा से झिलमिलाती है, और सारा आलम महक सा उठता है, यार जब जब तुम्हारी आती है। मित्रों, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे इस मानव जनसेवा संस्थान की अध्यक्षा हमारी बिटिया रानी महक सोमवंशी जी आई हैं, इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। इनका आपका स्वागत है भैया राम लखन जी, हमारे बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, अखिलेश गौतम जी हैं, नीरज भैया को और इस मंच को, सारे अतिथियों को चार पंक्तियां देता हुआ कि आप जैसे अगर नहीं होंगे, आप जैसे अगर नहीं होंगे तो फूल पत्ते सजग नहीं होंगे। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। आप जैसे अगर नहीं होंगे तो फूल पत्ते सजग नहीं होंगे, और लोग तरसेंगे खुशबुओं के लिए, गर हवाओं के पर नहीं होंगे। वाह 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 वाह। और इस मंच के तमाम कवि, मंच पर आज चार कवित्रियां हैं, ये तीन इधर हैं, एक पीछे चला गया है, बिहारी अलंबर कहाँ गए? अच्छा,
दरअसल क्या हुआ, पूरे प्रदेश में एक चीज़ है, जितने आयोजक संयोजक होते हैं एक शिकायत होती है हमारे से कि लेट क्यों आता है। तो मैं एक बार इनके घर गया, इनके पिताजी से पूछा कि बाबूजी बहुत लेट आता है। कहें दरअसल ये बहुत लेट में पैदा हुआ है, कि बड़ी समस्या है। तो बगल में एक चाचा जी आए, हम क्या और क्या दिक्कत हुई। कहें नहीं नहीं ऐसे है, इसीलिए 10 दिन जो है सोहर वगैरह नहीं हुआ। तो हम कही क्यों, कहें भैया 10 दिन पता नहीं चला लड़का है लड़की। तो ये भी दिक्कत हो जाती है। आई आपको जोड़ता हूँ चार पंक्तियाँ इस नवरात्र के पावन पर्व पर, चार पंक्तियाँ माँ के चरणों में। हरि की लेखिनी अमर रहे मृदु सादा स्वर रहे, कि लेखिनी अमर रहे मृदु सादा स्वर रहे, और ऐसा कोई एक वरदान दे दे भारती। और चरणों में कि चरणों में कि चरणों में सर रहे ममता अमर रहे, और दूर कर अंधेरा और ज्ञान दे दे भारती। तो दूर कर अंधेरा और ज्ञान दे दे भारती। तो चरणों में जीवन बिताने का शपथ लिए, और घूमता हूँ मेरी ओर ध्यान दे दे भारती। और देशद्रोहियों को इस देश से मिटाने हेतु, और राजस्व को शब्द का कृपाण दे दे भारती। और चार पंक्ति ऐसे में आप सबके नाम इतनी देर से बैठे हैं, आप सबको प्रणाम करता हूँ। कि शांति सद्भावना की पावन व सुंदरा पे, कि शांति सद्भावना की पावन व सुंदरा पे, और प्रेम भावना के गीत गाने चले आए हैं। और भारती के चरणों में शीश को झुकाने हेतु, और शब्द स्वर साधना सजाने चले आए हैं। तो चहुओं रे गीत छंद के सुगंध बहे मंद, अरे ऐसी रस धारा बरसाने चले आए हैं। और राजेश प्रणाम करता है आप सबका, जो रस भरी गंगा में नहाने चले आए। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद।